नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। सतना कलेक्टर ने लिलजी बांध की खदानों को किया निरस्त। हम इस पर एक विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। असली खनिज माफिया कौन, कैसे स्वीकृत हो जाती हैं ऐसी माइंस, क्या आम आदमी की औकात है खनिज पट्टा प्राप्त कर लेने की। हम खनिज माफिया कहकर खनिज पट्टाधारियों को कटघरे में तो खड़ा करते हैं, मगर प्रशासन के जिन अधिकारियों ने अनलीगल स्थानों पर खनिज पट्टे दिए, उन्हें खनिज माफिया का बाप माना जाना चाहिए। जांच तो इस बात की भी हो कि किस अधिकारी ने खनिज पट्टे दिए और उसके एवज में क्या क्या लिया। सरकार के लोग इससे अछूते हो ऐसा हो नहीं सकता। खनिज मंत्री रहे स्वर्गीय ब्रजेंद्रनाथ पाठक के पुत्र अजय पाठक सतना के बड़े खनिज माफिया कैसे बने। कांग्रेस के स्वर्गीय सत्येंद्र पाठक कटनी खनिज मंत्री रहे, उनके पुत्र संजय पाठक खनिज माफिया कैसे बने। वर्तमान में ब्रजेंद्र प्रताप सिंह पन्ना शिवराज सरकार में खनिज मंत्री हैं, इनके भाई भी खदाने लीज पर लेते हैं। एक मामला इनका भी सामने आया था कि इनके यहां मजदूरी करने वाले श्रमिक के नाम पर खदाने स्वीकृत थीं, जबकि वह आज भी कच्चे खपरेल मकान में रहता है। कलेक्टर अजय कटेसरिया की पहल मील का पत्थर साबित हो सकती है। लिलजी बांध किसानों को वापस मिलना चाहिए कृषि भूमि के लिए, खेती करने के लिए। राजशाही राजतंत्र के समय 12 गांवों की 1068 हेक्टेयर जमीन को अधिकृत कर उसे लिलजी बांध जलाशय के रूप में दिया गया था। खदान की लीज शासन स्तर यानी भोपाल से स्वीकृत हुई। अब तो समझ लें कितना बड़ा खनिज का खेल चल रहा है सतना में। 10 साल दिग्विजय सिंह शासन में कितने कांग्रेसियों को खदाने मिली, 16 साल के शिवराज शासन में कितने भाजपाइयों को खदाने मिली, कितने कांग्रेसी और कितने भाजपाइयों की क्रेशर मशीनें चल रही हैं, इसकी सूची से पता चल जाएगा माइंस सिंडिकेट कौन चला रहा है।